स्ट्राइकर एंड पे देवा जयेश, पिंटू जी देवा, हाँ देवा और जयेश, बॉलर गौरव। फर्स्ट मैच तुलसी 11, मलाड के मैन ऑफ द मैच मनीष भाई, तीन ओवर का मैच पावर प्ले तुलसी 11, फर्स्ट मैच के मैन ऑफ द मैच मनीष भाई, आप आके अपना ट्रॉफी कलेक्ट करें, तुलसी 11 मलाड, तुलसी 11 मलाड। मनीष भाई पहले भी अनाउंस किया आप नहीं थे, थोड़ा बिजी शेड्यूल है आपका, अच्छी किस्मत। मैन ऑफ द मैच मनीष भाई आ रहे हैं, प्रकाश जी स्टेज पे आप जाइए, फोटोग्राफर साथ में लेके जाइए, ये बहुत अच्छी गेंद ऋषि भाई द्वारा, गौरव गौरव भाई, गौरव भाई बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पे। अम्बेश 11 के कमेटी मेंबर सब जगह फैल जाइए, जिधर जिधर बॉल जाएगा फटाक से देना है। भरत भाई आप ये एरिया में आ जाइए, मैं इधर खड़ा हूं, थोड़ा फैल जाइए। अंकित स्ट्रेट में चला जा, जेके वटने जा तो रहे, खाना चालू है, तुलसी 11 मलाड और भी जो रिमेनिंग टीम है सब खाना लेके जाए, खाना स्टार्ट हो गया, खाके जाए बोलो। चार हुआ है स्कोर। आज सुबह उद्घाटन जो हुआ, उद्घाटन करता हमारे महावीर क्रिकेट क्लब के, जबकि मिनरल वाटर के लाभार्थी श्री नाकोड़ा पुलीवाल राजेश जी भाईंदर, सुबह के अल्पाहार के पद्म ट्रेडर्स पंकज हीरालाल जी शांखला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बख्शीश वितरण के यानी कि मैन ऑफ द मैच के हॉलमार्क पोपट भावेश योगेश कुलेकर जी, आपका अभिनंदन। डीजे के लाभार्थी दीपक जी उमर गोठान, आपके पूरे परिवार का आपका अभिनंदन। क्रिकेट ग्राउंड के लाभार्थी डायमंड पेंट्स के आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मंडप के हीरा ट्रेडर्स आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इस बीच गेंद को उठा करके खेला है, बड़ी स्लॉन्ग रन के क्षेत्र में सिंगल मिला, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज पलटे हैं, क्या दूसरा रन पूरा हो जाएगा, थ्रो अच्छा जाता हुआ लेकिन क्या थ्रो का फायदा यहाँ पर उठा पाएगी नाला सुपारा की टीम, एक रन एक्स्ट्रा के मिलेंगे और ये आउट, आउट आउट होते हुए। यूट्यूब के हमारे लाभार्थी नाकोड़ा क्रिकेट ग्रुप घाटकोपर, शाम के भोजन के लाभार्थी गुरु पुष्कर ग्रुप बिरार, बाउंड्री और सिक्स के चंदन प्लाईवुड, दोपहर के भोजन के लाभार्थी मनसा गोल्ड मारुति ज्वेलर्स, कृष्णा ज्वेलर्स, भारती ज्वेलर्स, वैशाली ज्वेलर्स, भैरुनाथ ज्वेलर्स, नक्षत्र ज्वेलर्स, महालक्ष्मी ज्वेलर्स, कलश ज्वेलर्स, क्रिकेट इक्विपमेंट के मनसा पूर्ण लेमिनेट्स, नींबू पानी रुपेश काले भाई, टी शर्ट क्रिस्टल ज्वेल्स, और ये थे हमारे स्पॉन्सर की लिस्ट। विकेट पीयूष को यहाँ पर सफलता मिली है, तीन ओवर का मुकाबला है, बस ये स्पिरिट चाहिए नाला सुपारा। दिनेश भाई
आपका नेक्स्ट बैट्समैन भी रेडी रखिए। 7 रन पंकज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इस बार उठा करके गेंद को खेला, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में डुअल माइंड हुआ, थोड़े से फील्डर हुए थे, बहुत अच्छी फील्डिंग, कैच नहीं हुआ लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग, 2 रन बचाए गए। अभी भी गुस्सा उनसे होते हुए वहां पर गेंदबाज पीयूष, लेकिन फील्डर की मैं तो तारीफ करूंगा, बहुत अच्छा स्टॉप था ये, बहुत अच्छी कोशिश पहले कैच की, लगा आप कैच तक नहीं पहुंच सकते, बहुत दूर है, तो उसके बाद स्टॉप बहुत अच्छा था। पंकज फिर सामना करने के लिए तैयार, इस बार हवा में गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑन के फील्डर बिल्कुल बाउंड्री के करीब, एक अच्छा कैच लेते हुए पंकज की पारी का अंत, नए बल्लेबाज तुरंत मैदान में जाएंगे। जल्द से जल्द गाटकुबा टीम 12 प्लेयर से फील्डिंग कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अंपायर अपनी बाय फैलाते हुए दस रन बन चुके हैं। हा ना एंड फाइनली ना, हाना की जगह अगर हनी करते तो काम हो गया होता। 1-2 go कैप्टन, इसके बाद के बॉलर को भी रेडी रखिए। और ये कैच भी छूटा, और ये चंदन प्लाईवुड चौका। ये गाने पे सबसे ज्यादा खुश होते हुए निर्मल भाई संकला, स्वागत है निर्मल जी। रतन भाई भी साथ दे रहे हैं, पीछे पीछे ठुमका लगा रहे हैं। इस बीच गेंद को खेल दिया और फाइनल के क्षेत्र में गेंद जाती हुई 4 रन के लिए चंदन प्लाईवुड आता हुआ। आखिरी ओवर चल रहा है, नीतीश के बाद पहली गेंद पे बाउंड्री, फिर आगे निकले, इस बार गेंद को खेला, मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा। 19 आफ्टर 2.2 ओवर स्कोर इज 19-19। थोड़ा क्विक यहां पे, बहुत अच्छी गेंद। न्यू बैट्समैन जल्दी yeah. और ये विकेट मिलता है नीतीश को, जल्दी जल्दी जल्दी
19 स्कोर 19 क्लीन बोल्ड वन टू गो। इसके बाद नाला सुपरा टीम फील्ड अंकित जाने जाना चाहिए। एक रन मिला आउट है, एक रन। 21 रन जीत के लिए लक्ष्य दिया गया। टारगेट 21 19 था और ये सिंगल 21 इज द टारगेट। Come on, Nala Subari team, come on. यहाँ पे बहुत ही सूझबूझ से हल्के हाथों से फ्लिक करके दो रन लेते हुए, क्योंकि हवा का साथ अभी मिलना मुश्किल है। बेहतरीन कैच, यहाँ पे कैच क्या पकड़ा है, कैच कौन है वहां पे पिंटू, बहुत ही बेहतरीन कैच। ये कैच के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन कैच। क्या इन्होंने कैच पकड़ा है या मैच पकड़ा है, ये थोड़ी देर में हमको पता चलेगा।
हिट। पिंटू भाई ने बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा, कैच पकड़ा या मैच पकड़ा ये अभी हमको पता चलेगा, बाकी उन्होंने अपना फुल अटेम्प्ट दिया। ये देखिए बहुत अच्छी, अपनी पूरी जान भुगते हुए पिंटू भाई, अपनी पूरी जान लगाते हुए। वेल ट्राई पिंटू भाई, वेल ट्राई। ये देखिए बैट्समैन का क्लास देखिए, हल्के हाथों से खेल के सिंगल ले लिया, क्योंकि ये मैच सिंगल से भी जीता जा सकता है। मनोज भाई आप शांत लग रहे हो। सही कह रहे हैं, अगर जो काम सुई से होता है उसे तलवार से करने की जरूरत क्या है, तलवार तो तोड़ती है और सुई जोड़ती है। सिंगल के साथ इस मैच को जीता जा सकता है, बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, केवल 21 का 21 रन का लक्ष्य, लेकिन आप नाला सुपारा की टीम को कम आंक नहीं सकते। अभी भी 100% एफर्ट अपना लगाते हुए इस बार कट किया है, फील्डर मौजूद है, एक रन मिलेगा। सही बल्लेबाजी, जो झुकता है वो पाता है। कुएं में जाने वाली बाल्टी सीधे जाती है, खाली आती है, झुक के जाती है, भर के आती है। 7 रन ओवर से 7 रन आ चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरी गेंद इस पहले ओवर की कहां पर समाप्त होती है। नाला सुपारा की तरफ से पहले ओवर की गेंदबाजी करते हुए अंकित पहली एक सफलता ले चुके हैं। इस बार बड़ा शॉट, घाटकोपर के जो फील्डर हैं वो थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स से थोड़ा सा साइड हट जाए, क्योंकि जब गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जा रही है तो अपने को भी पता नहीं चल रही है। एक ओवर की समाप्ति के बाद 8, 12 गेंद, 13 रन की आवश्यकता। थोड़ा बाउंड्री रोप से भी दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी स्ट्राइक बॉलर जयू आते हुए, ये 6 गेंदें निर्णायक साबित होगी। अभी बहुत ही अच्छे गेंदबाज है जयेश, इनकी 6 गेंदों पे ही पूरा मैच डिपेंड है। बेस्ट ऑलराउंडर के वर्सेस बेस्ट ऑलराउंडर, जयेश भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर है और सामने नितेश भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। देखते हैं कौन जीतता है। 12 गेंद 13 रन की आवश्यकता, 12 गेंद 13 रन, बाहर गेंद 13 रन, हवा में गेंद को खेला, अच्छी फील्डिंग वहां पर पिंटू जिया की। पिंटू भाई के लिए तालियां बजनी चाहिए, वो अपनी पूरी तरह से फील्डिंग में जान दिखा रहे हैं। 11 गेंद 12 रन की आवश्यकता है। अब सिंगल लेने के बाद नितेश पीयूष, जयेश की गेंद का सामना करने के लिए 11 गेंद 12 रन की आवश्यकता। 9 रन अभी तक बने हैं, 12 रन और चाहिए। 3 ओवर का मुकाबला, बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं दे पाई है नाला सुपारा की टीम, लेकिन अच्छी गेंद सिंगल लेते हुए। पीयूष भी काफी समझदार है, उन्हें पता है हर गेंद पे सिंगल लेना है, कोई रिस्की रन लेने का मतलब नहीं है यहां पे। अंत में कोई ये नहीं पूछेगा कि आप 6 से जीते हैं या सिंगल से, जीत जरूरी है। ये जरूर पूछेंगे लोग कि फाइनल किसने जीता, अंबेश कप 2022 सीजन 3 किसने जीता, उस जीत को आपको कैसे पाना है, ये कैप्टन ही जानते हैं। और बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल यार करा दिया था, लेकिन बल्लेबाज को भी मैं मानूंगा, आखिरी समय तक गेंद पर निगाह रखी, गेंद को अपने बल्ले पे आने दिया, काफी झुके हुए थे, सिंगल लेकर के आसानी के साथ स्कोर बोर्ड को गतिशील रखा है, स्कोरर को बीची रखा है। 11 रन बन चुके हैं इस ओवर में, 3 गेंदें डाली गई हैं और 3 गेंद पे 3 रन आ चुके हैं। बहुत अच्छी गेंद, सबसे तेज गेंद इस टूर्नामेंट की यही रही है
और कितनी है 143.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह गेंद निकली थी। सबसे तेज गेंद यही है आज के इस पूरे अम्बेस कप सीजन 3 की अभी तक की सबसे तेज गेंद 143.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कैच यहां पे नहीं हो सकता। तेरह रन अभी तक का स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। सात गेंद पे 8 रन की आवश्यकता। इस गेंद पे तो कैच उठा था लेकिन पिछली गेंद जो डॉट हुई थी काफी तेज थी, स्पीड गन में स्पीड जो है रिकॉर्ड हुई। और थैंक यू हरेश जी कि आपने गेंद कितनी स्पीड से आई उसे आपने बताया। एक रन क्या और यहां पे मिल जाएगा। बैकअप ही नहीं हो रहा है, कोई फिल्टर ही नहीं है तो थ्रो कैसे करे वहां पे जयेश। कोई बात नहीं, पानी नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे निकल जाइए। छह गेंद 5 रन की आवश्यकता, 6 पे 5। शुरू की अगर 2-3 गेंदें डॉट करा दे तब 6 पे 5। अभी भी बॉलिंग कौन करेगा इस कैप्टन के जिगर को भी देखिए, जिगरा को भी देखिए, पिंटू जिया। इनको देख करके तो हैंसी क्रोनी की याद आ गई, जब जब मैच फंसता था बॉल उठाते थे बॉलिंग करने के लिए आ जाते थे। हेलो ठीक। 6 पे 5, 6 गेंद 5 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखना है कि नाला सोपारा की टीम क्या 6 पे 5 नहीं बनने देना, बनने देती, या घाटकोपर की टीम 6 पे 5 बना लेगी। ये मुकाबला सेंट्रल रेलवे वर्सेस वेस्टर्न रेलवे के बीच का हो चला है। अब ट्रॉफी कहां रहेगी, विरार से आगे चल के नाला सोपारा में रुक जाएगी या सीधे दादर होते हुए घाटकोपर पहुंचेगी। प्रकाश जी, सूर्य का प्रकाश गया है तो इशारा कर रहे हैं कि ट्रॉफी कहां जाने वाली है अभी भी। लेकिन आप ना ये कह नहीं सकते कि नाला चोपारा के हाथ से मैच निकल गया, और ये भी नहीं कह सकते कि घाटकोपर की टीम मैच जीत गई, कुछ भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। 6 पे 5, एक ही गेंद पे खत्म हो सकता है मैच। और पिंटू जिया 4 रन यहां पे, चंदन प्लाईवुड बाउंड्री आती हुई, क्या ये आखिरी बार चंदन प्लाईवुड बाउंड्री चौका बोलना पड़ेगा आज या इस गेंद पर भी आने वाली है घाटकोपर की टीम। वाह, मेट्रो कनेक्ट हो गई है बिल्कुल घाटकोपर से सीधे अंधेरी के लिए। विघ्नेश मराठी गाना, मराठी गाना, कोई बात नहीं, एकच वादा लगा दो। ए मयूर, मयूर गाना।